मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद 7 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद अब जिला प्रशासन जागा है। पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासन सक्रिय हो चुका है। इस तरह की घटना ना हो इसलिए सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित कई पटाखा दुकानों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने एक साथ दबिश देते हुए कार्रवाई की है। सामान भी जब्त किया गया है। सिंधी चौराहे में स्थित एक दुकान में पुलिस को कुछ सामग्री मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि वो विस्फोटक सामग्री है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद दर्दनाक हादसे में करीब 7 से 8 लोगों की जानें चली गई हैं और कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद रीवा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम आज सड़क पर दौड़ती दिखी। ऐसा नहीं है कि ये दुकानें अभी संचालित होना शुरू हुई है, ये पिछले 50 वर्षों से इसी तरीके से यहाँ पे दुकानें सस्ती थी और चलती थी, लेकिन प्रशासन सोता रहा। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए विस्फोट कांड के बाद अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को जांच के निर्देश दिए हैं। अपने अपने क्षेत्रों में कहीं भी रिहायशी इलाकों में अगर पटाखे की दुकान मिलती है तो कार्रवाई की जाए। इस दौरान जांच दल को सिंधी चौराहा स्थित सौदागर ट्रेडर्स में कुछ रॉ मटेरियल भी मिला है। ऐसी संभावना है कि वो विस्फोटक सामग्री है। विशेषज्ञों से उसकी जांच कराई जाएगी, जिसके बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दौरान SDM, CSP, तहसीलदार, कई थानों के प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। लगभग आधा दर्जन दुकानों पर जांच कार्रवाई की गई मौके से, और जहां पर कुछ दुकानों में जो है बम पटाखा भंडारण के रूप में पाया गया रहवासी और कमर्शियल एरिया में, अभी उसको लेकर के कार्रवाई जारी है। हाँ, अभी एक सिंधी चौराहे में दुकान पर सौदागर ट्रेडर्स के यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल मिला हुआ है। ऐसी संभावना है कि वो विस्फोटक पदार्थ है। अभी अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनसे बुला करके जांच कराई जाएगी। जैसे भी जो वैधानिक कार्यवाही होगी उसमें ऐसे प्रस्तावित की जाएगी।